हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्मार्ट वॉच के रिव्यू करने वाले हैं। दैट वन इज फायरबोल्ट स्टॉक, दैट वन इज न्यू विराट कोहली एडिशन। ठीक है, और इसमें क्या क्या फीचर्स है इसका क्विक अनबॉक्सिंग भी कर लेंगे, और इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसको आपको अगर मोबाइल पे ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है वो हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो हाईलाइट फीचर्स है, दैट वन इज ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच को आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है, और डायरेक्ट आप इस स्मार्ट वॉच के थ्रू आप किसी को भी कॉलिंग कर सकते हो, और या तो किसी का कॉल आप रिसीव भी कर सकते हो, बातें भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक्चुअली आपके स्मार्ट वॉच के अंदर ही इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है और इनबिल्ट स्पीकर भी है। ठीक है, और ये जो स्मार्ट वॉच है बहुत ही बढ़िया है, और इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनका जो पुराना जो वर्सन था फायरबोल्ट टॉक, वो मैं लास्ट 6 to 7 months से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम्स अभी तक मेरे को मिला नहीं। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं न्यू एडिशन पे बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं, और इसको कैसे ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक, बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक मैनुअल मिल जाएगा। ठीक है, यूजर मैनुअल, इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स हैं और उसको कैसे यूज करना है, सब कुछ चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये इंग्लिश पे लिखा हुआ है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट वॉच होता है जो चाइनीज स्मार्ट वॉच, उसमें चाइनीज पे लिखा रहता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, बट इसमें इंग्लिश पे लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे बॉक्स के अंदर हमारे जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच। ठीक है, और ये दैट वन इज विराट कोहली एडिशन, तो इसका जो जो फेस है तो ऑटोमेटिकली इसमें विराट कोहली एडिशन पे विराट कोहली का जो फोटोज है वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और साइड बाय साइड अगर हम लोग कंपेयर करें जो दोनों जो स्मार्ट वॉच है, दोनों स्मार्ट वॉच में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग या तो आपके जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि दोनों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एडिशन है। ठीक है, और इनका जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है। ब्राइटनेस मैं एक बार दिखा देता हूं, ये जो ब्राइटनेस है ये आप कहीं पे भी सनलाइट पे चले जाओ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, देखने में कोई आपको परेशानी नहीं होगा। और इसमें मोशन सेंसर है, आप जैसे ही इस स्मार्ट वॉच को रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स है, आपको बार बार यहाँ पे बटन प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर टाइम देखना है तो आप इसको ऑटोमेटिकली ऐसे करोगे तो फिर इसमें लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलते हैं स्मार्ट वॉच के अलावा। स्मार्ट वॉच में आपको एक चार्जिंग केबल मिलते हैं। ठीक है, और ये जो चार्जिंग केबल है दैट वन इज मैग्नेटिक केबल, और इसको आप जैसे ही स्मार्ट वॉच के सामने लेके जाओगे चार्जिंग के पास तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पे लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है दोनों साइड पे, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप आपके जो लैपटॉप है लैपटॉप के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, या तो आप पावर बैंक के साथ भी चार्ज कर सकते हो, या तो आपके पास अगर कोई चार्जर्स हैं यूएसबी चार्जर्स तो उसके थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ बॉक्स में आपको 2-3 सब्सक्रिप्शन भी मिल जाते हैं, एक तो गाना का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और एक है गूगल प्ले स्टोर पे आपको कुछ कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, तो ये आप कुछ 1-2 सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बॉक्स को साइड पे रखते हैं और इसको देखते हैं कि मोबाइल पे इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक क्यूआर कोड मिल जाएगा।
इसको कनेक्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास स्पीकर यहाँ पे है और इनका जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है, अगर दिख रहा है तो यहाँ पे आपका माइक्रोफोन है, ठीक है, यहाँ से आप बातें कर सकते हो। और इसका जो बेल्ट का जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, इसको आप पूरे दिन अगर पहन के रखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके। कोई बहुत सारे लोगों के मन पे डाउट होता है कि इसमें स्क्रीन डिजीज वगैरह अगर हो जाए क्योंकि सिलिकॉन है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने राजस्थान पे रहता हूँ, जयपुर में रहता हूँ, आपको पता ही है कि यहाँ पे गर्मी कितना है, फिर भी मैं इसको पूरे दिन मतलब पहन के रखता हूँ, फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो आपके हार्ट बीट सेंसर है, आपके SPO2 सेंसर है, सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको एक कंपेयर भी करेंगे क्योंकि दोनों हमारे पास फायरबोल्ट का ही स्मार्ट वॉच है, तो दोनों में एक बार एक ही हाथ में मैं पहन के देखूंगा कि दोनों में रेटिंग कैसे दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। बट इसमें एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा जो है कि इसका बैटरी लाइफ, इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखोगे मोबाइल के साथ तो ऑलमोस्ट 10 to 15 days आराम से चल जाते हैं, ठीक है। अगर इसको आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करते हो, एज ए वॉच आप इसको यूज करते हो, तो ये फिर आराम से 30 days के आसपास निकाल देते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को, मतलब क्या होता है कि आप डेली आके कोई भी स्मार्ट वॉच को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे काम होता है, तो आप डेली आके इसको चार्ज नहीं कर सकते हो। बट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 to 15 days आराम से निकाल लीजिए और उसके बाद इसको चार्ज कर दीजिए। इसको चार्ज होने में ऑलमोस्ट 45 से 60 मिनट्स के आसपास पे फुल चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। बट इसमें मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप इसको डायरेक्ट चार्जर से चार्ज मत कीजिए, इसको आप लोग, आपके पास अगर पावर बैंक है या तो लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के थ्रू चार्ज कीजिए, या तो फिर आपके पास अगर पावर बैंक है तो पावर बैंक के साथ इसको चार्ज कीजिए। क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच होता है, स्मार्ट वॉच बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसका बैटरी भी बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास MI का पावर बैंक है तो उन लोगों के पास एक ऑप्शन होता है स्लो चार्जिंग का, ठीक है, उसको भी ऑन करके आप चार्ज दे सकते हो, ठीक है। मैं स्पेशली इसको जब चार्ज करता हूँ तो मेरे जो पावर बैंक है, MI का पावर बैंक, उस MI के पावर बैंक में जैसे आप ये जो साइड जो बटन है इसको आप डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि स्लो चार्जिंग का दिखाएगा। ये एक्चुअली होता है आपके पास जो ईयरबड्स होता है, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब चार्ज करने के लिए ये फंक्शंस होता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप स्लो चार्जिंग पे इसको चार्ज कीजिए क्योंकि तब भी आपके पास जो स्मार्ट वॉच है इसका बैटरी लाइफ आपको अच्छा मिलेगा, इसका यूज़ आप ज़्यादा दिन तक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे एक QR कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसको आप, आपके जो मोबाइल है उस पर्टिकुलर मोबाइल पे इसको स्कैन करना है, ठीक है। और स्कैन करने से क्या होगा कि आपके पास एक DA Fit बोल के एक ऐप है, उस पर्टिकुलर ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर बहुत सारे मोबाइल्स होता है जिसमें QR स्कैनर नहीं है तो उस केसेस में आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जा सकते हो और वहाँ पे DA Fit बोल के एक ऐप है, उस पर्टिकुलर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ऐप का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो डायरेक्ट यहीं से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास मोबाइल पे हमारे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इसको फिर कनेक्ट करके देखते हैं। ये है हमारे पास ऐप DA Fit, इसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐड ए डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइस को कनेक्ट करना है, ठीक
ठीक है, और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है ब्लूटूथ। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है ब्लूटूथ से कनेक्ट होने में, और एक बार अगर कनेक्ट हो जाए उसके बाद से नेक्स्ट टाइम आप जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, विद इन 3 to 4 seconds के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, बट पहली बार थोड़ा सा पेयरिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि हमारे पास दो स्मार्ट वॉच हैं, तो दोनों स्मार्ट वॉच का यहाँ पे आ गया नेम। ठीक है, तो हमारे जो पुराना जो स्मार्ट वॉच है वो ये वाला है, लास्ट में जो B5 है ये हमारे पुराना स्मार्ट वॉच है, बट ये नया स्मार्ट वॉच का है, लास्ट में 7E। ठीक है, तो इसको हम लोग जस्ट कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कनेक्टिंग का दिखा रहा है, ओके हो गया कनेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा कि इसमें आपके पास चार्ज कितना है आपके पावर स्मार्ट वॉच पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 68% आपके चार्ज है। ठीक है, और इसी ऐप के थ्रू आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे वॉच फेस हो गया, नोटिफिकेशन, अलार्म, ठीक है, शटर, तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो, यहाँ से आप अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ अपग्रेडेशन आता है इस पर्टिकुलर ऐप में तो यहाँ पे आपको अपग्रेड का भी ऑप्शन है। ठीक, तो इसमें जो मेन मेन जो फीचर्स है वो मैं दिखा देता हूँ कि इसको, इसका जो वॉच फेस है, अभी जो नॉर्मल जो वॉच फेस है, नॉर्मल वॉच फेस आप देख सकते हो, इसमें विराट कोहली एडिशन का ये दिख रहा है। ठीक है, और इसको अगर चेंज करना है तो आप स्मार्ट वॉच से नहीं कर सकते हो, तो आपके पास जाना है, इस पर्टिकुलर ऐप में जाना है और स्मार्टफोन पे जाके यहाँ पे वॉच फेस है, वॉच फेस पे जाना है। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपके पास वॉच फेस मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप डायरेक्टली यहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, और इसमें ऑलमोस्ट 100+ आपको स्मार्ट वॉच जो फेस है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड करके उसको आप आपके स्मार्ट वॉच पे लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें और भी एक अच्छा जो फीचर्स है, दैट वन इज, इसमें आप कोई भी आपका जो फोटोज है उस पर्टिकुलर फोटोज को भी आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आके आपका जो टाइमिंग का जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो फीचर्स है, यहाँ पे आपको टाइमिंग का जो पोजीशन है इस पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, और इसमें जो टाइम है, टाइम के साथ साथ आप और क्या देखना चाह रहे हो कि आपके स्मार्ट वॉच के फेस में आपके स्लीप, आपके हार्ट रेट, आपके आज का डेट क्या है, कितने स्टेप आपने सुबह कितने स्टेप आपने ये किया है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है, टाइमिंग का जो कलर्स है उस कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो, बट ये लिमिटेड कलर्स है, बट इसी लिमिटेड कलर से आपको कोई एक चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अगर पिक्चर अगर सेट करना है कोई भी, सपोज मेरे को ये जो इंटरफेस है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे को कुछ मेरे हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है, मेरा कुछ पिक्चर्स वगैरह लगाना है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट आप कोई भी फोटोज आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप जैसे सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके और सेव। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्विच स्विचिंग बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे आपको भी सेम चीज दिखेगा कि आपके यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है स्मार्ट वॉच पे। ठीक है, 3-4 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके जो स्मार्ट वॉच है स्मार्ट वॉच पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली एक अच्छा फीचर्स है कि इसमें आप कोई भी आपका जो पिक्चर्स है उस पर्टिकुलर पिक्चर्स को आप
आपके स्मार्ट वॉच पे आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्मार्ट वॉच का जो इंटरफेस है वही आपको यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। बट इसमें आप कोई भी जो भी पिक्चर्स आपको अच्छा लगे उस पर्टिकुलर पिक्चर्स को आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पिक्चर्स था और ये पिक्चर्स को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स है, नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन, ठीक है। आपके स्मार्ट वॉच पे कौन से नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको जाके ऑन कर देना है। जैसे फोन का नोटिफिकेशन मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को अगर SMS का नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं यहाँ से SMS का नोटिफिकेशन अलाउ कर दूंगा, ठीक है। बट इसमें बहुत सारे लोगों के मन पे ये भी हो सकता है कि इसमें तो हम लोग कॉलिंग तो कर सकते हैं, तो इसमें किसी का अगर SMS आते हैं, किसी का अगर WhatsApp मैसेज आते हैं, तो उसको हम लोग वहीं से रिप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं, हम लोग इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच से किसी को WhatsApp या तो SMS में आप रिप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसको रीड कर सकते हो कि उन्होंने क्या मैसेज भेजा है, उसको आप रीड कर सकते हो, आपके स्मार्ट वॉच पे देख सकते हो कि हाँ क्या क्या मैसेज आया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी चाहिए आप उसको ऑन कर सकते हो। आपका WhatsApp अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उसको इनेबल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास अलार्म्स है, अलार्म्स भी आप इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप इसमें अलार्म्स वगैरह सेट कर सकते हो टाइमिंग के हिसाब से। नेक्स्ट आता है शटर। इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच की हेल्प से आप जो कनेक्टेड मोबाइल है उसका आप कैमरा भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। आपके पास ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 7 to 8 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर मोबाइल से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आपको कॉलिंग कैसे करना है। आपको डायरेक्ट कॉलिंग ऑप्शन पे जाना है, मोबाइल फोन कॉल पे टर्न ऑन, ठीक है। तो इसको आप जैसे कनेक्ट कर दोगे तो उसके बाद आप यहीं से किसी को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका जो कॉन्टैक्ट्स है डायरेक्ट आप यहीं से भी कॉल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डायल पैड, डायल पैड पे जाओगे, यहाँ पे जाके आप किसी को भी कॉलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप ऐसे मोबाइल पे देख सकते हो, ठीक है। और इसका लाउड स्पीकर का जो साउंड है वो भी आप सुन सकते हो कि ये स्मार्ट वॉच से ही आपके पास आवाज आ रहा है। ओके, तो यहीं से आप डायरेक्ट डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो कॉलिंग को, ठीक। और यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट्स को आप सेव करते हो, आपके फेवरेट जो कॉन्टैक्ट्स है उसको आप यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ से ऐड कर दोगे तो आप डायरेक्ट यहीं से कॉल कर सकते हो। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है यहीं पे आपके पास आ जाएगा 7 to 8 कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है उसमें आप यहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। या तो अगर आपको डायल पैड में जाके आप यहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स डायल करके आप यहीं पे इसका डायरेक्ट ये जो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे आप जाके नंबर्स टाइप करके फिर इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स है, यहाँ पे आपके आदर्श में आपको आ जाएगा आपका जो टाइमिंग का जो फॉर्मेट है, टाइमिंग का फॉर्मेट आपको कितना रखना है, 24 आवर्स या तो 12 आवर्स के हिसाब से, ठीक है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही इजी है इसको सेट करना,
ठीक है, ऑटो लॉक, ऑटो लॉक कितने टाइम के बाद, 20 सेकेंड्स अगर, तो फिर 20 सेकेंड्स कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे लाइट ऑन हुआ तो ये 20 सेकेंड्स के बाद ये लाइट ऑफ होगा, ठीक है, या तो आप 5 सेकेंड कर सकते हो, 10 सेकेंड्स, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो स्टेप्स है, आपके जो ब्लड प्रेशर्स है, ठीक है, ये सब भी आप चेक कर सकते हो, बट इसको मैं हाथ में एक बार पहन लेता हूँ और पहन के एक बार चेक करवा देता हूँ, ओके। और इसमें आपका वेदर भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे बताया जाएगा कि आज का वेदर क्या है, ठीक है, कितना टेम्परेचर्स है, सब कुछ यहाँ पे बताएगा आपको। यहाँ पे सिटी, आपके जो सिटी है जिस शहर पे आप हो, तो उस शहर का आपका ये कर देना है, मतलब नाम सर्च करके उसमें ऐड कर देना है, बाकी उसके बाद। और इसमें जो और भी एक जो मेन फीचर्स है जो मेरे को बहुत ही यूजफुल लगता है कि राजस्थान पे, आपको पता ही है कि राजस्थान पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी काम पे इतना बिजी रहते हैं कि उस टाइम पे पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो उस केसेस पे आप यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो, ठीक है, तो कितने टाइम के बाद आपको ड्रिंकिंग वाटर का नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, 60 सेकेंड्स के बाद, या 60 मिनट्स के बाद, या तो 45 मिनट्स के बाद, या 15 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर और SpO2 कैसे काम करते हैं। और उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं ये जो नया जो स्मार्ट वॉच है और ये जो मेरा पुराना जो स्मार्ट वॉच है फायरबोल्ट का, ये दोनों, तो इस दोनों को एक ही साथ हाथ में पहनता हूँ और दोनों का एक साथ चेक करके देखता हूँ कि रिजल्ट कितना एक्यूरेट आता है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं ब्लड प्रेशर मोनिटाइजेशन पे, ठीक है, BP चेक करते हैं दोनों पे एक साथ। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितना BP आपको दिखाया जाता है। दोनों सेम स्मार्ट वॉच है, सेम कंपनी है, ठीक है, और एक ही हाथ पे मैं पहना हुआ हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, एक में दिखा रहा है 96 और एक पे दिखा रहा है 98। बस कर लेता हूँ, ठीक है, 94 और एक पे दिखा रहा है 90, 98, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, माइनर सा चेंजेस है इसका। थोड़ा सा मैं लाइट कम कर देता हूँ, अभी आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है, 94, 95, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब दोनों जो स्मार्ट वॉच है ऑलमोस्ट एक्यूरेट काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चेक करते हैं हमारे पास ब्लड प्रेशर, BP चेक करते हैं, तो BP में जैसे आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है रेटिंग आने पे, ओके, आ गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों जो स्मार्ट वॉच है सेम रिजल्ट दे रहा है, तो दैट मीन्स इनका जो दोनों का जो सेंसर्स है, सेम सेंसर्स है, दोनों का सेंसर सेम है और दोनों काम भी अच्छे से करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पे थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है और एक पे थोड़ा कम दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और भी एक बार ट्राई कर लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है 12971। ये जो है ये पुराना फायरबोल्ट का है और दैट वन इज द न्यू एडिशन ऑफ द फायरबोल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम देते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास SpO2। SpO2 चेक कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है बॉडी पे, एक बार चेक कर लेते हैं SpO2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दोनों में रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आया, 97% और 99%। ठीक है, तो और एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, 98 और 99। ये जैसे मैंने बताया, दिस वन इज द न्यू एडिशन और ये जो है दैट वन इज द ओल्ड एडिशन। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि वेदर वगैरह, और यहाँ से आप आपके जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच को आप फोन से कनेक्ट करके डायरेक्ट कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी फीचर्स है सेम फीचर्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन भी देख सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा रिव्यू ऑन ब्लूटूथ फायरबोल्ट टॉक, पुराना एडिशन, ओल्ड एडिशन एंड न्यू एडिशन। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि दोनों जो स्मार्ट वॉच है इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, और इसमें सेंसर्स वगैरह जो है, सेंसर्स कितना अच्छे से काम करते हैं, कितना अच्छे से नहीं करते, ये आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ठीक है, बाकी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को स्मार्ट वॉच लेना है तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है फायरबोल्ट का, क्योंकि इसमें मेरे को जो चीज़ अच्छा लगा है वो है बैटरी लाइफ, और इनका जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और इनका जो स्पीकर क्वालिटी है वो तो मैंने आप लोगों को सुना ही दिया है, और माइक्रोफोन भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को कॉल करके ट्रायल भी किया था तो अच्छे से सुनाई दे रहा है। बाकी आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हो कि इसमें और क्या जानकारी चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।